कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर संजीता चानू को डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुझे तो डर है कि कहीं उनसे उनके मेडल्स भी ना ले लिए जाएं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है वो पूरा मामला। भारतीय महिला वेटलिफ्टर संजीता चानू ने स्पोर्ट्स के जगत में खूब नाम कमाया है, पर अब उनके लिए बुरी खबर है। संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। चानू के शरीर में टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड पाया गया है। ये स्टेरॉयड खिलाड़ियों के लिए बैन है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के मुताबिक डोप टेस्ट में संजीता चानू के खून में स्टेरॉयड पाया गया। टेस्ट में फेल होने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। संजीता चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वहीं 2014 में ग्लासगो गेम्स में भी वो गोल्ड जीत चुकी हैं। डोप टेस्ट में फेल होने से उनके मेडल छिन सकते हैं। संजीता ने 4 साल पहले ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से अपना दमदार सफर शुरू किया था। तब 20 साल की संजीता चानू ने सबको चौंकाते हुए देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में संजीता ने 42 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था।